हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। तो मलेशिया ट्रिप सीरीज़ के पिछले दो वीडियोस देख के अगर आप भी लंकावी आने का प्लान बना रहे हो और सोच रहे हो कि कहाँ रहना चाहिए या कौन से एरिया में कौन से होटल बुक करना चाहिए, देन दिस इज़ द राइट व्लॉग। तो लंकावी मलेशिया का छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत, रिलैक्सिंग एंड पीसफुल आइलैंड है, जहाँ पे बीचेस से लेके पहाड़, मैंग्रोव फॉरेस्ट से लेके फन एक्टिविटीज़ बहुत कुछ मिल जाएंगे आपको एक्सप्लोर करने के लिए। तो ओवरऑल इस आइलैंड के तीन मेजर पार्ट्स हैं। पहला है वेस्ट एरिया में, एयरपोर्ट से कैब से बस 10 ही मिनट दूर, चेनंग एरिया, जो यहाँ का मोस्ट लाइवली एंड हैपनिंग एरिया है। यहाँ पे नीट एंड क्लीन बीचेस के साथ साथ नाइट लाइफ, बीच पार्टीज, बीच साइड कैफेज, हर तरह के रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट शॉपिंग, बैंक, ATM, करेंसी एक्सचेंज, सब कुछ मिल जाएंगे। दूसरा है एकदम नॉर्थ में तांजुंगरू बीच एरिया। यहाँ एकदम ही शांत, पीसफुल एंड रिलैक्सिंग एरिया है। यहाँ पे भी आपको रिसॉर्ट्स एंड कैंपिंग साइट्स मिल जाएंगे रहने के लिए। यहाँ पे आपको कम भीड़ मिलेंगे, लोग भी कम रहेंगे और कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स भी कंपैरेटिवली कम होगा चेनांग एरिया से। और तीसरा है साउदर्न पार्ट में कुआ सिटी। तो अगर आप कुआलालंपुर से बाई फेरी या शिप से आ रहे हो तो आप यहां से एंटर करेंगे लंकावी। ये एरिया एक छोटा सा टाउन जैसा है। यहाँ पे भी होटल्स एंड ऑल आपको कंपैरेटिवली चीप रेट्स पे मिल जाएंगे, बट यहाँ देखने और एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो रहने के लिए बेस्ट होगा चेनांग एरिया या फिर तांजुंगरू। हम लोगों ने दोनों जगह का एक्सपीरियंस लेने के लिए पहले 2 दिन रुके थे चेनांग एरिया में एंड तीसरे दिन रुके थे तांजुंगरू एरिया में। एंड ट्रस्ट मी, दोनों ही जगह का एक अपना ही फील है। तो पहले ही दिन हम लोग एयरपोर्ट से सीधा आए चेनांग एरिया में, जहाँ पे मैंने बुक किया था ये होटल रॉयल अगाथे बीच रिसॉर्ट। मुझे चाहिए था बीच व्यू होटल और साथ में बीच व्यू रूम। अब इस एरिया में आपको बहुत ही ज़्यादा होटल के ऑप्शंस मिल जाएंगे सब तरह तरह के बजट में। कुछ कुछ थे जो एकदम बीच से ही अटैच्ड है एंड उनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे, अराउंड 10 to 12,000 rupees पर नाइट। जबकि मुझे ये होटल होटल रॉयल अगाथे बीच रिसॉर्ट मिला पर नाइट अराउंड 2,800 Indian rupees में। और ये एकदम बीच से अटैच तो नहीं, बट सामने जो मेन स्ट्रीट है वो क्रॉस करने के बाद ही बीच बीच है एंड रूम के बैल्कनी से तो बीच व्यू मिलता ही है। तो चलिए देखते हैं कैसा है इस होटल का रूम। सो घुसते ही लेफ्ट साइड में है एक बड़ा सा मिरर और राइट साइड में वार्डरोब के साथ आयरन एंड आयरनिंग बोर्ड। बेड 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल इनफ है, पर 3 लोग भी फिट हो सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 3 बेड वाला रूम भी है, बट उसमें आपको सी व्यू का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एनीवे, बाहर बालकनी काफ़ी बड़ा है और ये है यहाँ से व्यू। और हाँ, यहाँ पे आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी, जो कि बुफे ब्रेकफास्ट है, और कॉम्प्लीमेंट्री टी कॉफ़ी किट तो मिल ही जाता है। एंड ये है वॉशरूम। और होटल के बैक साइड पे आपको एक स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है वो सुबह 7 से लेके 10:30 बजे तक मिलता है एंड होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट में, और वो भी बुफे, और साथ में मिलता है ऊपर से ये खूबसूरत सा नज़ारा। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो सो कॉल्ड ब्रेकफास्ट बुफे मेनू में था पहले, तो जैसा कि आप देखे, ब्रेड विथ बटर एंड जैम, एंड उसके बाद था राइस। पता नहीं राइस ब्रेकफास्ट में कौन खाता है, बट या साथ में पास्ता, पराठा एंड फ्रूट्स में वाटरमेलन एंड टी एंड कॉफ़ी। तो दैट वाज ऑल। और अगर आपको यहाँ इंडियन खाना चाहिए तो इस होटल के बिल्कुल नीचे ही एक बहुत अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है रॉयल इंडिया के नाम से। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। तो पहले दिन इस होटल से हम लोग अलग अलग कैब करके सुबह स्काई ब्रिज और दोपहर को कुआ सिटी ईगल स्क्वायर कवर किए। दोनों ही जगह यहाँ से अराउंड हाफ एन आवर की दूरी में है। एंड दूसरे दिन यहाँ से दोपहर के अराउंड 1 बजे चेकआउट करके हम लोग चले तांजुंगरू बीच की तरफ,
जहाँ मैंने बुक किया था सनसेट बे कॉटेज। तो ये है सनसेट बे कॉटेज तांजुंगरू एरिया में, और ये मुझे रिकमेंड किया था मेरे खास दोस्त विश्वजीत ने, जो कि यहाँ कुछ महीने पहले आया था अपने कुछ खास दोस्तों के साथ और यहाँ पे रह के गया था। तो हिज रिकमेंडेशन वॉज रियली गुड। और ये है हमारा कॉटेज जहाँ पे हम लोग रुके हैं, कॉटेज नंबर 3। लेकिन वो दिखाने से पहले चलिए एक बार बीच से होके आते हैं। बस कुछ ही कदम आगे चलते ही आपको दिख जाएगा बीच। यहाँ पे आपको कैंपिंग के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, अगर आप चाहते हो तो कैंपिंग भी कर सकते हो। और ये रहा तांजुंगरू बीच। और ये जो सामने आइलैंड आपको दिख रहा है एकदम पीछे की तरफ ब्लरी, वो है थाईलैंड। सो काफी नजदीक ही है यहाँ से। बाय द वे, यहाँ से सनसेट बहुत ही अच्छा दिखता है, इसीलिए यहाँ का नाम सनसेट बे कॉटेज है। तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बैठ के काफी अच्छा रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ का रूम कैसा है। तो कॉटेज के बाहर ही आपको एक बैठने का जगह मिल जाएगा, दो चेयर और एक छोटा सा टेबल के साथ। और फिर रूम में घुसते ही कुछ ऐसा है रूम अंदर से, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। यहाँ पे विंडो से आपको बाहर का नज़ारा देखने को मिल जाएगा, और दो बेड हैं, एक सिंगल एक डबल, टीवी चेयर, एक वार्डरोब, एक छोटा सा फ्रिज, बस इतना ही है। और ऐसे अगर रिसॉर्ट हो तो रूम के अंदर कौन ही रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप बाहर ही बिताने वाले हो। और ये है वॉशरूम।
if you like this video and felt it was informative, do hit the like and subscribe button, and also hit the bell icon for getting more updates about our upcoming videos. Thank you.